hello everyone welcome to my channel today we are going to solve exercise of history class 12 maharashtra board chapter number seven decolonization to political integration of india so come on page number 61 so it's our exercise now let's start question number one a choose the correct alternative and rewrite the statement first in 1946 under the leadership of the अंडर द लीडरशिप ऑफ डैश द मूवमेंट ऑफ सिविल डिस ऑबीडियंस वॉज लॉन्च इन गोवा इसका आंसर क्या है ए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ओके मैंने हाईलाइट करके रखा है ना नेक्स्ट क्वेश्चन द हैदराबाद स्ट्रगल्स ऑफ फ्रीडम वॉज लेड स्किलफुल बाय, यस, बी स्वामी रामानंद तीर्थ थर्ड क्वेश्चन द प्रिंसली स्टेट इन इंडिया वर्ज इन इंडिया मेनली थ्रू द एफ ऑफ बी सरदार वल्लभ भाई पटेल ओके नाउ बी फाइंड द इनकरेक्ट पेयर एंड राइट द करेक्ट वंस सो फर्स्ट जो पैर दिया है हमें वो करेक्ट है हमारा रॉन्ग पैर जो है वो है सेकेंड तो देख लेंगे सेकेंड मर्ज ऑफ प्रिंसली स्टेट ऑफ कश्मीर इसका आंसर हमें दिया हुआ है शेख अब्दुल्ला बट इसका आंसर क्या है किंग हरी सिंह ठीक है स्पेलिंग देख लो आप लोग ओके okay. एंड कॉमऑन पेज नंबर सिक्सटी टू नाउ सो थर्ड फोर्थ भी हमारा करेक्ट पैर है खाली सेकेंड वाला ही हमें इनकरेक्ट दिया था जिसको हमने करेक्ट कर लिया क्वेश्चन नंबर टू राइट द नेम्स ऑफ हिस्टोरिकल प्लेस पर्सन इवेंट्स फर्स्ट द प्रिंसली स्टेट दैट डिड नॉट मर्ज इन इंडिया इमिजिएटली आफ्टर इट्स इंडिपेंडेंस तो इसका आंसर हमें कहाँ मिलेगा हमें लेसन की स्टार्टिंग में आना है सबसे पहले पेज नंबर uh, क्या फिफ्टी सेवन पे आना है यस yes. लेसन का शुरू यहीं से हो रहा है देखो फिफ्टी सेवन पेज नंबर पे आ गए अब मैंने जो येलो हाईलाइट करके रखा है वो फर्स्ट लिखना है गुनागढ़ उसके बाद कॉमा डाल के लिखना है, हैदराबाद एंड थर्ड लिखना है कश्मीर सब कॉमा डाल के लिखते जाना है फोर्थ दादरा एंड नगर हवेली फिफ्थ गोवा एंड लास्ट पौंडीचेरी ओके okay? और यहाँ पे स्टॉप कर देना है इतने ही लिखने थे ना क्वेश्चन नंबर टू सेकेंड द प्रेसिडेंट ऑफ गोवा कांग्रेस कमेटी इसका आंसर क्या है डॉक्टर टी बी कुन्हा ओके ना क्वेश्चन नंबर थ्री ऑब्जर्व द मैप ऑन पेज नंबर सिक्सटी वन ऑन एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है व्हाट इज द नेम ऑफ द कंट्री लोकेटेड एट द नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर ऑफ इंडिया तो पेज नंबर सिक्सटी वन जहाँ पे मैप दिया है आ जाएंगे सो so, यहाँ पे मैप दिख रहा है यहाँ पे इस कॉर्नर में देखो ब्लू बॉक्स में लिखा है क्या लिखना है हमें उसका आंसर वेस्ट पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान ठीक है क्वेश्चन नंबर थ्री का फर्स्ट आंसर लिखना है वेस्ट पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान और नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या पूछा गया है विच प्लेस इन इंडिया वॉज सेंटर ऑफ पॉर्चुगेज रूल तो अगेन मैप पे आ जाएंगे इसका आंसर क्या है गोवा ओके okay? थर्ड देखते हैं या सो थर्ड विच प्लेस ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया वर सेंटर ऑफ फ्रेंच रूल क्या है इसका आंसर सबसे पहले लिखना है यानम और सेकेंड लिखना है पुडुचेरी या पौंडीचेरी दोनों भी दिया हुआ है देखो और थर्ड लिखना है हमें कराईकल ये तीनों लिखना है यानम पौंडीचेरी कराइकल ओके नाउ लास्ट क्वेश्चन विच नेशन इज फोर्थ ओके फोर्थ विच नेशन इज लोकेटेड एट द साउथन टिप ऑफ इंडिया सो इसका आंसर क्या है श्रीलंका ओके okay. सो so, हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री हो गया है अब क्वेश्चन नंबर फोर देखेंगे कंप्लीट द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट मैप द वॉल्टियर्स इन द गोवा फ्रीडम स्ट्रगल इसका आंसर हमें कहाँ मिलेगा पेज नंबर फिफ्टी नाइन पर मिलेगा सो कॉम ऑन पेज नंबर फिफ्टी नाइन सो वी आर ऑन पेज नंबर और ये जो मैंने पीच कलर से हाईलाइट किया है ये लिखना है तो फर्स्ट कॉलम में क्या लिखना है डॉक्टर टी बी कॉलम में हमें लिखना है फ्रेंकिस मस्कर एन स्पेलिंग देखो उसके बाद लिखो थर्ड कॉलम में लिखना है डॉक्टर राम मनोहर फोर्थ एंड लास्ट क्या लिखना है डॉक्टर राम हेगड़े अगेन डॉक्टर टी बी कुन्हा फर्स्ट कॉलम में डॉक्टर टी बी कुन्हा सेकेंड कॉलम में लिखना है फ्रेंकिस मस्कर हेंस थर्ड कॉलम में हमें लिखना है डॉक्टर राम मनोहर एंड लास्ट डॉक्टर राम हेगड़े ओके सो हमारा ये भी क्वेश्चन हो गया अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे क्वेश्चन नंबर फाइव देख लेंगे आप एक्सप्लेन स्टेटमेंट विथ रीजन फर्स्ट क्या दिया हमें अल्टीमेटली द स्टेट ऑफ हैदराबाद कहा मिलेगा ये जो क्वेश्चन ओपिनियन का फर्स्ट दिया हुआ आंध्र कर्नाटका महाराष्ट्र काउंसिल परिषद वर फाउंडेड इन प्रिंसली स्टेट ऑफ हैदराबाद ये भी आंसर कहा दिया हमें पेज नंबर फिफ्टी सेवन एंड पेज नंबर एट एक्चुअली ये दोनों आंसर एग्जैक्ट ए टू जेड सेम है ओके okay? देखो क्वेश्चन नंबर फाइव का फर्स्ट दिस वन अल्टीमेटली द प्रिंसली स्टेट एंड क्वेश्चन नंबर सिक्स का फर्स्ट आंध्र कर्नाटक का महाराष्ट्र ये दोनों वाला ये दोनों जो आंसर है ये हमें सेम ही पेज पे दिया हुआ है तो मैं इसको आप दोनों आप दोनों को ये वाला साथ में ही बता देती हूँ ठीक है एक्सप्लेन कर देती हूँ दोनों को सो पेज नंबर फिफ्टी सेवन पे आ जाना है हमें सो पेज नंबर फिफ्टी सेवन पे आने के बाद यहाँ पे देखो हैदराबाद फ्रीडम स्ट्रगल दिखेगा ये पूरा पैरा लिखना है हैदराबाद से शुरू करके कहाँ तक लिखना है थ्री ऑर्गेनाइजेशन तक ठीक है थ्री ऑर्गेनाइजेशन तक यहाँ तक लिखना है और यहाँ पर रुक जाना है फिफ्टी सेवन पर यहाँ पर रुक जाना है उसके बाद फिफ्टी एट पर आना है पेज नंबर फिफ्टी एट पर आकर यह कंटिन्यू करना है द हैदराबाद स्टेट कांग्रेस अ रिजोल्यूशन ये पूरा यहाँ तक लिखना है डेमोक्रेसी तक उसके बाद लास्ट पॉइंट ये लिख देना है द इंडियन गवर्नमेंट लॉन्चर पुलिस कैंपेन ये कहाँ तक लिखना है मर्ज इन इंडिया ठीक है समझ आ रही है बात देखो अगेन फिफ्टी सेवन पे हमने हैदराबाद से शुरू करे ऑर्गेनाइजेशन तक लिखे दैन उसके बाद फिफ्टी एट पर आ गए द हैदराबाद से शुरू करके डेमोक्रेसी तक लिखे उसके बाद ये निज़ाम वाली लाइन नहीं लिखनी है ठीक है उसके बाद कहाँ से लिखना है द इंडिया गवर्नमेंट लॉन्च ऑफ पुलिस कैंपेन ये यहाँ तक इंडिया तक ठीक है मर्ज इन इंडिया तक ओके और ये हमारा कौन सा आंसर था याद है ना दोनों का सेम आंसर था क्वेश्चन नंबर फाइव का फर्स्ट था वो वाला और क्वेश्चन नंबर सिक्स का भी फर्स्ट था ठीक है दोनों आंसर थे हमारे ओके नाउ क्वेश्चन नंबर फाइव सेकेंड पोंडुचेरी वॉज डिक्लेयर एज अ यूनियन टेरिटरी इसका अब आंसर कहाँ मिलेगा हमें मैंने लिख कर रखा है पेज नंबर सिक्सटी तो अब हमें क्या करना है पेज नंबर सिक्सटी पे आ जाना है हाँ सो पेज नंबर सिक्सटी पे आ गए सेवन पॉइंट फोर पोडुचेरी दिख रहा है ये पूरा वैन इंडिया गॉट इट्स इंडिपेंडेंस पोंडिचेरी वॉज स्टिल अ फ्रेंच कॉलोनी ये पूरा वैन से लिखना है और देखो पहले वैन से लिखना है फ्रेंच तक ठीक है उसके बाद ये यहाँ से पीपल एट पुडुचेरी गॉट यूनाइटेड अंडर द लीडरशिप ऑफ वी सुभाया ठीक है ये कहाँ तक लिखना है गवर्नमेंट तक एंड फिर उसके बाद ये लिखना है इन 1949 फोर्टी नाइन आफ्टर अ पॉजिटिव पब्लिक पोल ये रिपब्लिक तक एंड लास्ट ये पॉइंट लिख देना है इन 1962 द फ्रेंच पार्लियामेंट अप्रूव ऑफ द बिलेट्रल एग्रीमेंट एंड इन 1963 सिक्सटी वाज पांडिचेरी डिक्लेयर टू बी अ यूनियन टेरिटरी देखो अगेन मैं बता देती हूँ सेवन पॉइंट फोर पे आना है और यहाँ से वैन इंडिया गॉ इंडिपेंडेंस यहाँ से पूरा पूरा कंटिन्यू करते करते फ्रेंच तक लिख देना है और फिर ये पीपल ऑफ़ पाण्डिचेरी ये गवर्नमेंट तक लिख देना है उसके बाद ये थर्ड जो उसके नीचे हमें पैरा दिया उसकी थर्ड लाइन तक लिखना है इन 1949 ठीक है ये रिपब्लिक तक और फिर उस पैराग्राफ की ही लास्ट थर्ड लाइन से शुरू करके पूरा पैरा तक लिख देना है ठीक है ओके जितना ब्लूम मार्क है वो सारे हमें लिख देने हैं ठीक है थीके? तो आप हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स तो हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्स स्टेट योर ओपिनियन का फर्स्ट तो हो चुका है है ना पेज नंबर फिफ्टी सेवन एंड पेज नंबर फिफ्टी एट पर हमने कर चुके हैं वो तो अब हमारा लास्ट क्वेश्चन बच जाता है द पोर्चुज रूल इन गोवा रिमेन अनटच अनटचड टिल नाइनटीन तो इसका आंसर हमें टेक्स्ट बुक में दिया नहीं है क्योंकि ये स्टेट योर ओपिनियन है ना तो इसका मैंने लिखा है ये देखो आप लोग अपने आप से लिखो और ये पढ़ लो थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाएगा उसके बाद सारे अपने पॉइंट्स और ये सब मिक्स करके अच्छे से अच्छा सा आंसर लिख दो ठीक है इसको आप लोग अपने नोटबुक में लिख लो ओके सो so, हमारे सारे क्वेश्चन आंसर्स हो गए हमारा चैप्टर यहाँ पर ओवर होता है सो so, होपफुली आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ 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 डू प्लीज, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू